पिछले छह वर्षों में प्रस्ताव तो रखिए सर, फिर तो हम लोग जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव रखिए, पढ़िए उसको। कि मोदी जी और योगी जी की व्यक्तिगत टिप्पणी करना पार्टी के हित में नहीं है और व्यक्तिगत भी हित में नहीं है। दूसरी बात, उनको टिप्पणी करते हुए उनके वस्त्र पर आक्रमण करना ये और भी हानिकारक है। और वस्त्र पर हानिकारक आक्रमण करते हुए भारत की संस्कृति और सभ्यता पर भी आक्रमण करना न व्यक्ति के हित में है, न देश के हित में है, न राज्य के हित में है। एक मेरा सुझाव है, यदि अपने दल को, अपने पार्टी को या व्यक्तिगत भी मजबूत होना है तो अपने संगठन, अपने सिस्टम पर और सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी करना है तो उसको किया जा सकता है। जो मेरा अनुभव है पिछले आठ साल के अनुभव में, जो भी लीडर मोदी और योगी के खिलाफ टिप्पणी किया है वह पार्टी पनप नहीं सकती है, मेरा पूरा यह अनुभव है। इसलिए क्योंकि इनका सपना, इसका सपना इनका, ये सभी का सपना है विश्व को गुरु बनाने के, यानी हमारा देश विश्व का गुरु बने और पूरे विश्व का नेतृत्व करे। ये सपना है जो स्वामी विवेकानंद जी ने सपना देखा था, महापुरुषों ने सपना देखा था, क्रांतिकारियों ने सपना देखा था, एक गरीबों के कल्याण के लिए सपना देखा था। ये अमृतकाल का बजट है, भारत का बजट स्वर्णिम बजट है। जी, अगर इस राज्य का किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, बजट पर चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री बजट रखिएगा, अगर इस पर होगी नहीं, नहीं बजट पे आ रहे हैं, वो वही बोल रहे हैं। प्रस्ताव रखिए मनोज, पहले प्रस्ताव रखो। मुख्यमंत्री ने बजट लाया है ये अमृत काल में, पहले प्रस्ताव रखिए फिर बोलिए। रख रहे जी, उत्तर प्रदेश का बजट भी एक ऐसे देश, एक ऐसे प्रदेश के निर्माण में मजबूत नींव का काम करेगा जिसकी कल्पना हमारे महापुरुषों, क्रांतिकारियों ने किया था। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के स्वर्णिम बजट के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदि नरेंद्र मोदी जी के अमूल्य मार्गदर्शन, उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में चल रही डबल इंजन की सरकार की रफ्तार भी सामान्य से डबल है, जो अपने साथ 25 करोड़ प्रदेशवासियों को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। प्रस्ताव माने, पिछले छह वर्षों में प्रस्ताव तो रखिए सर, फिर तो हम लोग जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव रखिए, पढ़िए उसको, प्रस्ताव पढ़ रहे हैं, प्रस्ताव रख रहे हैं, प्रस्ताव तो बढ़िया है। मैं आपसे निवेदन, अब प्रस्ताव पढ़ रहे हैं ना, आपने नहीं बोलना तो बात है, प्रस्ताव पढ़ रहे हैं, मैंने उनसे निवेदन किया, पढ़ रहे शक्ति मंत्रालय। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।